में प्लांटेशन टिम्बर की कम होती उपलब्धता और बढ़ते डिमांड की वजह से प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर दूसरे देशों से टिम्बर और कोर विनियर को आयात कर रहे हैं। बीते सितंबर अक्टूबर के महीने में भारत के अलग अलग पोर्ट पर वियतनाम, ब्राजील, तंजानिया, उरुग्वे, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना जैसे देशों से भारी मात्रा में कोर विनियर और टिम्बर आयात हुए हैं, जिन्होंने प्लाईवुड इंडस्ट्री को संजीवनी देने का काम किया है। हाल ही में केरल के कोचीन पोर्ट पर ब्राजील से 15,000 टन टिम्बर आयात हुए हैं, जिसमें यूकेलिप्टस टिम्बर की मात्रा सबसे अधिक है। इस टिम्बर से साउथ इंडिया में मौजूद करीब 500 प्लाईवुड इंडस्ट्री को राहत मिलेगी। साथ ही पिछले दो साल के दौरान जिस तरह से भारत में टिम्बर के दाम बढ़े, उस हिसाब से इंपोर्टेड टिम्बर प्लाईवुड इंडस्ट्री को बड़ी राहत देगी। आपको बता दें कि इतनी बड़ी टिम्बर की खेप का इंपोर्ट कोचीन पोर्ट पर एक दशक के बाद हुआ है। प्लाई रिपोर्टर मैगजीन के सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार कांडला पोर्ट पर कोर विनियर और यूकेलिप्टस टिम्बर भारी मात्रा में इंपोर्ट हुए हैं, जिससे वहां की प्लाईवुड इंडस्ट्री एक बार फिर सक्रिय हो चली है और प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ गई है। उधर भारत में टिम्बर और कोर विनियर के हो रहे इंपोर्ट से नॉर्थ इंडिया की प्लाईवुड सेक्टर के ऊपर पड़ने वाले दबाव से राहत मिली। गौरतलब है कि भारत में टिम्बर की उपलब्धता कम होने की वजह से इसकी कीमत में बढ़ोतरी हुई, जिसका असर प्लाईवुड के कीमत में भी देखने को मिली। ऐसे में ऐसा माना जाने लगा कि प्लाईवुड के मार्केट को दूसरे सस्ते प्रोडक्ट ले लेंगे। हालिया इंपोर्ट हुए टिम्बर और कोर विनियर ने कहीं ना कहीं प्लाईवुड इंडस्ट्री को राहत पहुंचाने का काम किया है। आपको बताते चलें कि पिछले कुछ वर्षों से केरल एक प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभरा है। केरल प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अनुसार रबर के लकड़ी की कीमत 8,500 से 9,000 रुपए प्रति टन तक पहुंच गई है, जो प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। ऐसे में दूसरे देशों से इंपोर्ट हो रहे टिम्बर और कोर विनियर ने प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर को भारी राहत पहुंचाने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्लाई रिपोर्टर।